हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल श्रीश में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने अपने घर में रखी हुई चीज़ों से कुछ डेकोरेटिव आइटम्स तैयार करे, घर को सजाया है, डेकोरेट किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फटाफट से अपना वीडियो। जैसा दिख रहा है आपको फिर, और इसके लिए क्या किया मैं, मेरे पास गमलों में ऐसे स्टोन से, स्टोन नहीं होता जो हम गमलों में डाले रहते हैं, ये पड़े थे, इनको मैंने ग्रीन कलर से कलर कर दिया। और ये वाटर कलर वगैरह हैं इस तरह से। एक्चुअली मेरी बेटी क्राफ्ट का काम करती रहती है, उसके पास इस तरह के कलर्स पड़े रहते हैं, तो ये मैंने सब कर दिया सारे। पहले बड़ा वाला लगाया, फिर उसे छोटा, मतलब इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया। और ये जो आपको फूल दिख रहे हैं, ये कागज़ ऐसे नहीं होता जो चार्ट पेपर वगैरह, उससे कटिंग करके लगा दिया। आपके पास नहीं हो तो आप पेंट भी कर सकते हैं। फ्रेंड, मैंने ये इसमें भी कराया है कि देखिए, स्टोन्स पड़े हुए थे गमलों में, उन पे मैंने ये स्प्रे पेंट होता है ना, जो अपना जो स्प्रे करके हम कलर कर लेते हैं पेंट, वही मेरे पास था गोल्डन एंड सिल्वर, जो कि मैंने स्प्रे कर दिया। अब ये इस तरह से सुंदर लगने लगा। कुछ नहीं, घर के पड़े हुए डेकोरेट कर दिया सामान से। ऐसे ये जो सॉस की छोटी बॉटल्स होती कांच की, वो मेरे पास रखी हुई थी, खाली हो गई, तो उसको मैंने धो करके इसमें ऊपर जो है केवल ये एक कपड़ों में लेस लगी हुई थी ड्रेस में मेरी बेटी की, वो काट ली और चिपक लगा दिया इसमें, केवल ग्लू के थ्रू चिपका दिया। तो एक डेकोरेटिव पीस तैयार हो गया। आपके पास भी इस तरह से लेस वगैरह हो तो आप प्लास्टिक की या कांच की बोतल में डाल सकते हैं, इसके अंदर फेरी लाइट वगैरह लगा सकते हैं। तो ऐसे क्या किया है कि एक इक्वली चार छः, 1 2 3 4 5, मतलब इस तरह से इक्वली हम लगाते गए। और उसके एक्चुअली ये मेरी बेटी ने भी इसमें काफ़ी हेल्प करी, उसके पास क्राफ्ट का काफ़ी सारा आइटम है, और इस समय वो बोर भी हो रही थी, तो मैंने उसके साथ मिलके, उसने मेरे साथ इस तरह से थोड़ा सा वर्क क्राफ्ट का किया है। तो ये आइडिया तो उसी का था जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो सारे स्टिक्स मैंने, उसने जो है चिपका दिए सारे एक के बाद एक, और उनको टेप से ऊपर से टेप लगा के, ग्लू के थ्रू नहीं, ऐसे ऐसे रखते गए, ऊपर से टेप लगा दिया। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए टेप लगा दिया, तो ये सारे हमारे चिपक गए एक तरह से। और एक जितना भी लंबा बनाना हो, मैं उसने इतना लंबा बनाया, और फिर उसके बाद हम वाटर कलर से कलर कर दिया, एक डिज़ाइन बना दी, इफेक्ट दे दिया, पहले रेड कलर कर दिया फिर ब्लैक, तो इस तरह से एक डिज़ाइन बन गई, मतलब अच्छी सी ये सुंदर जो सी। हमारे पास चार्ट पेपर्स पड़े होते हैं, या नहीं ये तो वाइट पेपर अक्सर पड़े रहते हैं, मैगजीन्स वगैरह में आते हैं, तो उनको इस तरह से काट करके, पहले इतना लंबा लंबा काट के चिपका लिया है, फेविकॉल के थ्रू चिपका लिए सारे, इस तरह से लंबी इस तरह से सारे चिपका लिए। फिर क्या किया उनको, देखिए इस तरह से आपस में चिपका लिया, कोई वो नहीं है, नॉर्मली चिपका लेते हैं, तो बच्चे भी कर ही लेते हैं। फिर जैसे हम पंखा नहीं बनाते थे बचपन में, उस तरह से एक के बाद एक इस तरह से लेते गए। तो ये देखिए बस एक के बाद इस तरह से पूरा हमारा पंखे जैसा बनता चला गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा इस तरह से खोल करके यहाँ और यहाँ पर फेविकॉल लगा देंगे, ये पंखे का ऐसे, उसको वॉल पर, बालकनी में, कहीं की वॉल क्या, किसी भी जगह पे ऐसे डबल साइडेड टेप के थ्रू चिपका देंगे, तो मतलब कलरफुल लगने लगेगा, अच्छा वाइट लगेगा। चार्ट पेपर था उसमें ग्रीन कलर कर दिया, और उसको जैसे हमने दिखाया नहीं पहले पंखे जैसा बना के, वैसे ही फोल्ड कर दिया, और ये कैक्टस का शेप आ गया, और उसके ऊपर ये कलरफुल दूसरे फ्लावर जैसे चार्ट पेपर से काट के चिपका दिए, और नीचे इनको ग्लू के थ्रू चिपका दिया, तो ये कैक्टस ये भी एक तरह से बन गया। ये भी बची हुई चूड़ियों से बनाया है हम लोगों ने, बची हुई जो चूड़ियाँ होती हैं उनको लिया है, और जो हमारे पास इस तरह की मैगजीन्स वगैरह नहीं होती बच्चों की है, या कोई बड़ों की मैगजीन, मतलब इस तरह से मैगजीन्स वगैरह आती है ना, उनमें से ऐसे फोटोज़ काट लिए हैं। फोटोज़ काटने के बाद क्या किया, जो मैगजीन दिखाई थी आपको फोटो, वो इस तरह से रख करके किया, और फिर इसमें क्या करेंगे हम, कोई क्विक से या कोई ग्लू उसमें लगा देंगे, और ये चिपक गया बस हमारा। इस तरह से हम सारी बैंगल्स और चूड़ियाँ अपनी तैयार कर लेंगे फिर फोटो लगा करके। और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे लगा करके क्विक क्विक और जोड़ देंगे, बस इस तरह से डिज़ाइन हम जोड़ जोड़ के बनाते जाएंगे, तो हमारी पूरी जो है इस तरह की डिज़ाइन बन जाएगी। और ऊपर लटकाने के लिए हम इस तरह का मोटा धागा ले लेंगे, जिसमें कि क्विक फिक्स लगा करके हम यहाँ पर चिपका देंगे, तो बस हमारा एक पूरा इस तरह से
डिजाइन बन जाएगी। आई होप आपको क्या फ्रेंड, मैंने ये इस तरह की एक स्टिक पड़ी हुई थी पुरानी, पीरियड में नहीं लगी रहती, सूख जाती है, तो वो निकाल ली। इस ये भी मेरे बेटी ने किया एक्चुअली, काफ़ी ज़्यादा इसमें काम, और उस निकालने के बाद थोड़ा सूख गई, तो उसके बाद ये जो ग्रीन होता है वाटर कलर, वो इसके ऊपर कर लिया। वाटर कलर मैंने आपको पहले ही बताया कि कलर्स वगैरह हैं उसके पास, और थोड़ा ये सब आजकल करने में लॉकडाउन में थोड़ा सा मूड भी अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं भी उसके साथ करती रहती हूँ। तो ये उस कर लिया कलर, और इसके बस चार्ट पेपर में से कलर करके पत्तियाँ चिपका दी इस तरह से। और ये हैं अपने पॉम पॉम जो ऊन के थ्रू बनाए गए हैं, उनको इस तरह से चिपका दिया गया। ये देखिए तीन चार, आपके पास ऊन नहीं हो तो आप धागे से बना सकते हैं, जैसे मेरे पास इतना ही ऊन था तो मैंने इतना ना कढ़ाई वढ़ाई वगैरह का, ये नहीं है तो आप किसी और तरह का भी ले सकते हैं कई। वैसे तो ये दिया रहता है काफ़ी हम लोगों को, लेडीज़ को तो पता ही होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दिए दे रही हूँ। बस इस तरह से करके करा, बीच में हम यहाँ पे बांध देंगे, काट दिया। ये हो गया तैयार हमारा, बस इसको इस तरह से कहीं फेविकॉल या किसी भी ग्लू के थ्रू चिपका देंगे। बस इसका मैं बनाने जा रही हूँ, जो कि पूरा ही आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास से कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है जो केक वगैरह में नहीं आता है, ये इस तरह का मैं रखती रहती हूँ धोके नीचे का बेस। ये आपके पास नहीं है तो आप दूसरा सिंपल से ले सकते हैं, उसके ऊपर कवर कोई भी कलरफुल कवर चढ़ा सकते हैं। और फिर मैंने साइड में लगाने के लिए क्या किया, ये नैपकिन्स पड़े हुए थे मेरे पास, उनको इसके स्ट्रिप्स इस तरह से काट लिए हैं, और बस इनके इस तरह से फ्लावर की तरह इनको इस तरह से हम फ्लावर की तरह से शेप दे देंगे, जैसे इस तरह से ये देखिए, और उनको फेविकॉल के थ्रू चिपका देंगे। कोई भी डिज़ाइन बने, मेन पर्पस तो हमारा है चीज़ को। फाइनली हमारा ये इस तरह से तैयार हो गया। ये देखिए कुछ फ्लावर हमारे बच भी गए, जो किसी और चीज़ में मैं यूज़ कर लूँगी, बेटी कर लेगी किसी चीज़ को बनाने में। और मैं तो केवल यही लगा रही थी पेपर ही, उसमें बेटी ने क्या किया कि ये छोटे छोटे जो धागे भी दिखाए थे, धागे इनको काट काट के उसने इसमें भी चिपका दिया है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती लेकिन चीज़ तो सुंदर बनी गई अल्टीमेटली। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का यूज़ करके वेस्ट मटेरियल का कुछ बना सकते हैं। मेन पर्पस तो यही है कि हम अपना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट रखें, कुछ अच्छे चीज़ें करते रहें बस। ऐसे ही फ्रेंड, शहद के खाली जार पड़े थे जिन पे मैंने गोल्डन सिल्वर स्प्रे पेंट कर दिया, और एक गोल्डन लेस थी, बॉर्डर था वो मैंने लगा दिया। इस तरह से एक वास्ता तैयार हो गया, और उसमें फ्लावर वगैरह सजा दिए, मतलब आर्टिफिशियल, तो फ्लावर पॉट नहीं हो जाता है वो, इस तरह से तैयार हो गया है, सुंदर सा लगने लगा। और बस ये इस तरह से हम किसी भी बॉटल्स वगैरह में भी कर सकते हैं, मैंने बॉटल्स भी करी हैं स्प्रे पेंट करके, और स्प्रे पेंट जो है काफ़ी अच्छे रहते हैं करने के लिए। और सेम ऐसे ही मैंने ये एग की ट्रे पड़ी थी, उसमें स्प्रे पेंट कर दिया ग्रीन कलर का, और पूरे में ऐसे डाल दिया, और इनको एक डेकोरेटिव पीस की तरह तैयार कर दिया, जो अपनी बालकनी के वॉल पर मैंने सजा दिया। ये देखिए इस तरह से पूरे में कर दिया।